हेलो एवरीवन, मैं उत्कर्ष और आज अपन फ्यूचर बेस्ड 5 यूनिक मूवीज को रिव्यू करेंगे। सबसे पहले नंबर 5 पे है द टुमारो वॉर, और ये मूवी रेड नाम के रिटायर्ड सोल्जर के बारे में, जिसकी लाइफ तब बदलती है जब एक फीफा मैच के दौरान एक पोर्टल खुलता है जिसमें से फ्यूचर के सोल्जर्स डैन के टाइम पीरियड में आ जाते हैं, और ये सोल्जर्स डैन के वर्ल्ड के लोगों को अपनी वॉर में लड़ने के लिए रिक्रूट करते हैं। और ऐसे ही एक दिन डैन को भी वॉर के लिए रिक्रूट किया जाता है, और रिक्रूट होने के बाद डैन जैसे ही फ्यूचर में टेलीपोर्ट होता है, उसी टाइम डैन का पोर्टल मेलफंक्शन करने लगता है और डैन जमीन की जगह आसमान से फ्यूचर पहुंचता है, जिसमें डैन के कई कलीग्स मर जाते हैं। अब आगे की मूवी डैन और उसके दोस्तों के फ्यूचर एडवेंचर्स के बारे में, जिसके दौरान हमें बेहतरीन एक्शन सीन्स के साथ एलियन फाइटिंग भी दिखती है। अगर आप लोगों को एक मजेदार कॉन्सेप्ट वाली एक्शन साइफाई मूवी देखनी है तो द टुमारो वॉर आपके लिए परफेक्ट मूवी है। नंबर 4 पे है मॉर्टल इंजन्स, और ये मूवी हेस्टर शॉ नाम की लड़की के बारे में, और इस मूवी का प्लॉट आज से 1000 साल बाद के फ्यूचर में बेस्ड है, और इस फ्यूचर में मैनकाइंड ने प्रेडेटर सिटीज नाम की टेक्नोलॉजिकल सिटीज को क्रिएट किया है, और ऐसी ही एक प्रेडेटर सिटी लंदन है जिसके मेयर थेडियस वैलेंटाइन को हेस्टर मारने की कोशिश करती है, पर वैलेंटाइन को टॉम नाम का अप्रेंटिस बचा लेता है। पर स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब इस रेस्क्यू के दौरान टॉम को हेस्टर कुछ ऐसा बता देती है जिसके कारण वैलेंटाइन टॉम को मारने की कोशिश करता है। अब आगे की मूवी हेस्टर और टॉम के सर्वाइवल और उनके वैलेंटाइन से बदला लेने के बारे में। अगर आप लोगों को एक बेहतरीन एडवेंचर साइफाई मूवी देखने तो मॉर्टल इंजन्स आपके लिए बेस्ट मूवी है। नंबर 3 पे है रेडी प्लेयर 1, और ये मूवी वेड वॉट्स नाम के लड़के के बारे में, जो 2045 में कोलंबस में रहता है, और वेड का रियल वर्ल्ड बहुत बोरिंग होता है, इसलिए अपनी बोरिंग लाइफ से बचने के लिए वेड बाकी लोगों की तरह ओएसिस नाम के वर्चुअल यूनिवर्स में जाता है। और मूवी में ओएसिस एक ऐसा यूनिवर्स है जहाँ पे कुछ भी पॉसिबल है, और ओएसिस में वेड का कैरेक्टर पार्जवाल होता है जिसके थ्रू वो अलग अलग गेम्स खेलता और अपनी लाइफ एंजॉय करता है, और वेट की लाइफ ऐसी ही चल रही होती है। पर स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब एक दिन ओएसिस के फाउंडर हैलिडे मर जाते हैं, और वो अपने मरने के बाद ओएसिस में एक ईस्टर एग छुपा देते हैं, और इस ईस्टर एग में हैलिडे अपनी कंपनी के शेयर रख देते हैं जो लगभग आधे ट्रिलियन डॉलर्स के होते हैं। अब आगे की मूवी ओएसिस में वेड और उसके जैसे प्लेयर्स के इस ईस्टर एग को ढूंढने के बारे में, और इसी हंट के दौरान हम लोगों को बहुत सारे बेहतरीन वर्ल्ड्स भी दिखाए जाते हैं। नंबर 2 पे है ब्लडशॉट, और ये मूवी रे नाम के सोल्जर के बारे में, और रे की लाइफ तब बदलती है जब एक मिस्टीरियस कंपनी के एम्प्लॉयज रे को ये बताते हैं कि वो मर चुका है और उसे इस कंपनी के लोगों ने रिवाइव कर लिया है, और रिवाइव करने के साथ साथ इस कंपनी ने रे को सुपर स्ट्रेंथ और रीजनरेशन जैसी सुपर पावर्स भी दी हैं। और इसी कन्वर्सेशन के दौरान रे को अपनी वाइफ की डेथ याद आती है, और ये जानने के बाद रे अपनी वाइफ के किलर्स को मारने के लिए निकल जाता है। पर स्टोरी में ट्विस्ट तब आते हैं जब रे के एम्प्लॉयज उसकी मेमोरी के साथ छेड़खानी करते हैं और उसे अपने राइवल्स को मारने के ऑर्डर्स देते हैं, और इस काम को करने के लिए कंपनी वाले रे की मेमोरी को बार बार रिबूट भी करते हैं। अब आगे की मूवी रे के इन्हीं मिशंस को पूरा करने के बारे में, जिसके दौरान रे अपनी मेमोरीज को भी एक्सप्लोर करता है। अगर आप लोगों को एक मजेदार एक्शन साइफाई मूवी देखने तो आपके लिए ब्लडशॉट परफेक्ट मूवी है। फाइनली नंबर 1 पे इंटरस्टेलर, और ये मूवी जोसेफ हूपर नाम के फॉर्मर नासा एस्ट्रोनॉट के बारे में, जो फ्यूचर के अर्थ में अपनी फैमिली के साथ रहता है, और इस टाइम पीरियड में अर्थ इंसानों के द्वारा किए हुए फेमिन से गुजर रही होती है, जिसमें पूरी दुनिया डिस्ट्रॉय होने की कगार पर आ जाती है। और ऐसे ही एक डस्ट स्टॉर्म के दौरान जोसेफ और उसकी बेटी मार्फी को अपने बेडरूम में कुछ पैटर्न्स देखते हैं जो नासा की एक पुरानी साइट के लिए डायरेक्शंस होते हैं, और उस साइट में जाकर जोसेफ और मार्फी को एक नासा के प्लान के बारे में पता चलता है, जिसमें कुछ एस्ट्रोनॉट्स एक सेफ प्लैनेट की तलाश में स्पेस में जा रहे होते हैं, और इस मिशन के लिए नासा के साइंटिस्ट जोसेफ को भी अप्रोच करते हैं, और जोसेफ अपने बच्चों के फ्यूचर को बचाने के लिए इस मिशन पर मर्फी के मना करने के बाद भी चला जाता है। अब आगे की मूवी इंटरस्टेलर ट्रैवल और टाइम ट्रैवल जैसे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करती है।